नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। कानपुर देहात में एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक कानपुर देहात की मैथा तहसील के मडौली गांव में अतिक्रमण हटाने के दौरान मां बेटी की जिंदा जलकर मौत हो गई। इस मामले में अब सियासत भी जोरदार हो गई है। जी हाँ, सपा का 6 सदस्यीय डेलीगेशन कानपुर देहात पहुंचेगा और पीड़ित परिजनों से मुलाकात करेगा। सपा डेलीगेशन की अध्यक्षता विधायक मनोज पांडे करेंगे। उनके साथ विधायक अमिताभ वाजपेयी, विनोद चतुर्वेदी, प्रदीप यादव, मोहम्मद हसन रूमी के साथ 2 पूर्व विधायक कमलेश दिवाकर और राम प्रकाश कुशवाहा मौजूद रहेंगे। बता दें, कानपुर जिले में एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया था, जहां अतिक्रमण हटाने के दौरान मां बेटी की दर्दनाक मौत हो गई थी। वहीं इस पूरे मामले में अब सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी का बयान सामने आया है, आइए आपको सुनाते हैं। कानपुर की घटना सीधे तौर पर सरकार द्वारा कराई गई हत्या है। जिस तरीके से अतिक्रमण हटाने को लेकर मानवीय संवेदनाओं को तार तार किया गया, एक ब्राह्मण परिवार होने के नाते सरकार के द्वारा अत्याचार किया गया, तो ये दर्शाता है कि भाजपा के अंदर मानवीय संवेदनाएं नहीं है। एक तरफ लोग वैसे ही पीड़ित हैं दूसरी समस्याओं से, और जिस तरीके से घटना हुई है इसकी स्पष्ट तौर से न्यायिक जांच होनी चाहिए, और जो भी दोषी हैं टॉप लेवल के अधिकारी, सरकार से जुड़े लोग, वो निकलकर सामने आनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। बता दें, बड़ा हादसा हो गया था, जहां अतिक्रमण हटाने के दौरान मां बेटी की दर्दनाक मौत हो गई थी। वहीं लगातार पुलिस द्वारा इस मामले में जांच की जा रही है। वहीं अब इस पूरे मामले पर सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। सपा का 6 सदस्यीय डेलीगेशन कानपुर देहात पहुंचेगा और पीड़ित से बातचीत करेगा। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, कानपुर देहात में बड़ा हादसा हो गया है, जहां मां बेटी की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है, जिसमें अब सपा का 6 सदस्यीय डेलीगेशन कानपुर देहात पहुंचेगा। क्या कुछ पूरी जानकारी निकलकर सामने आ रही है? अभियान के दौरान झोपड़ी में आग लगी, जिसमें माँ और बेटी जल गई, जिसके बाद कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सियासत का पारा तेज हो गया है। जहां कांग्रेस पार्टी, साथ ही साथ बीएसपी और समाजवादी पार्टी लगातार इसकी न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं, वहीं अगर बात करें तो पीड़ित परिवार मुख्यमंत्री के आने की बात कह रहे हैं, और उनका कहना है कि अगर मुख्यमंत्री आकर मौके पर देखे और साथ ही पीड़ित परिवार से मिले तो हम कहीं ना कहीं जो अभी तक अंतिम संस्कार नहीं किया गया है उसको हम करेंगे। वहीं आपको बताएं कि इसको लेकर समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को कानपुर देहात के मरौली गांव भेजा जा रहा है, जहां वो जाकर पूरे मौके पर जाकर और हर जो मदद है, और साथ ही साथ अगर देखे तो जो परिवार से मिलकर और उनके न्याय की मांग है उसको उठाएंगे। आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष मनोज पांडे की अध्यक्षता में 6 नेताओं को समाजवादी पार्टी की तरफ से भेजा जा रहा है। आपको बताएं कि कुछ ही समय के अंदर ये सपा का डेलीगेशन मरौली गांव पहुंच जाएगा, जहां वो पीड़ित परिवार से मिलेगा। साथ ही आपको बताएं कि कल देर रात अगर बात की जाए तो महिला बाल विकास कल्याण मंत्री प्रतिभा शुक्ला पीड़ित परिवार से मिली, और उनका कहना है कि हम इसकी जांच करवाएंगे और जो दोषी है उनके पर कार्रवाई कराएंगे। फिलहाल में अगर बात की जाए तो जो बुलडोजर चला रहा ड्राइवर था और जो वहां मौके पे लोग थे, उनके खिलाफ FIR लिखी गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इसमें मुख्यमंत्री क्या संज्ञान लेते हैं। वहीं अगर बात की जाए तो आज मुख्यमंत्री अपने सुबह कैबिनेट की बैठक से पहले उन्होंने एक बाइट रिलीज की, उसमें उन्होंने कहा है कि हम इसकी न्यायिक जांच करवाएंगे और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। मगर उत्तर प्रदेश की सियासत में जो सियासत है उसमें कहीं ना कहीं पारा बढ़ते हुए दिख रहा है इस मामले को लेकर। अब देखने वाली बात यह होगी कि मनोज पांडे की अगुवाई में जो सपा का 6 डेलीगेशन सदस्य जा रहा है, वो देर शाम तक राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को जो पत्र के माध्यम से जो परिवार से मिलेगा उसमें पत्र के माध्यम से इसकी जानकारी देगा अखिलेश यादव को। अब देखने वाली बात यह होगी कि अभी अगर बात करें तो 20 फरवरी से सदन की कार्रवाई है,
और जहां रामचरित मानस और साथ ही साथ अगर देखें तो सूर्य शब्द को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पे हमलावर हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं सदन में इस मामले को भी उठाने की बात मनोज पांडे कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो दोषियों हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाती है। जी विवांशु, देखा जाए तो इस मामले पर पुलिस भी अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर रही है, तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है, तो अभी तक पुलिस प्रशासन का क्या कुछ बयान सामने आया है? जी मैं भी आपको बता दें कि कानपुर के कमिश्नर राजशेखर दीक्षित की तरफ से देर रात वहां पहुंचे वो, और आज सुबह भी वो वहां मौके पर पहुंचकर और पीड़ित परिवार से मिले और उन्होंने कहा कि आप अंतिम संस्कार करिए और सरकार हर एक भर जो संभव मदद है वो करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं जो दोषी है उनके खिलाफ जांच की जाएगी और जांच के बाद कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, जिससे एक संदेश जाएगा कि कहीं ना कहीं अनैतिक कार्य को ना किया जाए। अब देखने वाली बात ये होगी मयूरी, इस मामले को लेकर जहां समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर हो रही है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अंशु अवस्थी से कहीं ना कहीं ब्राह्मणों के ऊपर एक साजिश के तहत वो इसे यातना बता रहे हैं, तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जहां एक तरफ लगातार देखे तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातिगत राजनीति का जो सियासी घमासान है वो मचा हुआ है, अब उसमें ब्राह्मणों के भी मुद्दों को उठाने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है और साथ ही साथ इसमें कांग्रेस पार्टी भी कहीं पीछे नहीं। अब देखने वाली बात ये होगी इस मामले को लेकर जो केंद्र सरकार के तमाम नेता हैं विपक्ष के, उन्होंने भी ट्वीट करके इस पर अपना दुख जताया है। वहीं अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी इसकी जांच की मांग की है और अपना भी डेलीगेशन आम आदमी पार्टी का भेजने की बात कही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है और पीड़ित परिवार को क्या मदद दी जाती है। जी धन्यवाद विवांशु तमाम जानकारियों के लिए। माँ बेटी के मौत का मामला अब गर्माता हुआ नजर आ रहा है, वहीं प्रशासन के ऊपर भी तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें सपा का 6 सदस्यीय डेलीगेशन कानपुर पहुंचेगा जहां पीड़ित के परिजनों से बातचीत करेगा। बता दें कानपुर देहात में बड़ा हादसा हो गया था जहां माँ बेटी की दर्दनाक मौत हो गई थी। कानपुर देहात की मैथा तहसील के मडौली गांव में अतिक्रमण हटाने के दौरान मां बेटी की जिंदा जलकर मौत हो गई थी। वहीं इस मामले में अब सियासत भी जोरदार होती जा रही है। सपा का 6 सदस्यीय डेलीगेशन कानपुर देहात पहुंचेगा और पीड़ित परिजनों से मुलाकात करेगा। सपा डेलीगेशन की अध्यक्षता विधायक मनोज पांडे करेंगे, उनके साथ विधायक अमिताभ वाजपेयी, विनोद चतुर्वेदी, प्रदीप यादव, मोहम्मद हसन रूमी के साथ 2 पूर्व विधायक कमलेश दिवाकर और राम प्रकाश कुशवाहा मौजूद रहेंगे। बता दें सपा का 6 सदस्यीय डेलीगेशन कानपुर जाएगा और पीड़ित के परिजनों से बातचीत करेगा। इस खबर पर हमारे संवाददाता अनिल हमसे जुड़ेंगे। अनिल, कानपुर देहात में बड़ा हादसा हुआ था जहां मां बेटी की दर्दनाक मौत हो गई थी, वहीं अब इस पूरे मामले पर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। सपा का 6 सदस्यीय डेलीगेशन कानपुर पहुंचेगा, ये डेलीगेशन कब तक पहुंचेगा, क्या कुछ पूरी जानकारी है इसको लेकर? जी मैं बता दूं कि जब से घटना हुई है उसके बाद से लगातार राजनीति में भूचाल मचा हुआ है और भूचाल ये कुछ इस तरीके से है कि ब्राह्मण और कुल मिला के जातिवाद का इसमें एंगल दे दिया गया है। और बता दूं कि जिस हिसाब से यहाँ पे लगभग जो भी क्षेत्रीय नेता हैं सपा के नेता हैं वो मौजूद हैं और यहाँ पे ब्राह्मण महासभा के भी लोग आना चालू हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण महासभा के लोग भी हैं जो एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं कानपुर देहात के जिला अधिकारी नेहा जैन पे। उनका साफ कहना है कि जब कुछ दिनों पहले जिला अधिकारी से लोग मिलने गए थे, इन्होंने अपनी बात रखी थी, तो जिला अधिकारी ने साफ साफ उनको वहां से भगा दिया था और कहीं ना कहीं जिला अधिकारी ने इसको अपने ईगो पे ले लिया था कि ये लोग हमारे दरवाजे पे कैसे आए। और उसके चलते इसके बाद यहाँ पे भारी टीम यहाँ पे आती है और आने के बाद में एसडीएम के साथ यहाँ के जो थाना रूरा थाना के जो थाना अध्यक्ष है उनके समेत लगभग कई लोगों की टीम यहाँ पे आती है और आने के बाद इस तरीके से घटना होती है जो कि फुटेज में साफ साफ दिख रहा है।
कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं, इस वायरल में देखा जा रहा है कि वो किस तरीके से यहाँ पे बुलडोजर चल रहा था। हालांकि पुलिस प्रशासन का कहना है कि जो आगजनी हुई है ये आगजनी नहीं है, ये आत्महत्या की गई है, लेकिन घर वालों का आरोप है कि ये आत्महत्या नहीं है, ये एक बड़ा सा ये मर्डर है। हालांकि पुलिस ने उनकी बात लेते हुए कल रात को ही एक FIR लिख ली है, जिस FIR में लगभग 12 लोगों को नामजद किया गया है, 39 लोगों का कुल मुकदमा लिखा गया है। उस मुकदमे में यहाँ के SDM है, SDM के साथ साथ लेखपाल है, लेखपाल के साथ जो रूरा थाना अध्यक्ष है उनके नाम भी मुकदमा लिखा गया। अब देखने वाली बात होती है कि जो इस टाइम राजनीति गर्मा रही है जातिवाद को लेकर, और शाम तक सपा का डेलीगेशन आने वाला है, और सूत्रों के माध्यम से खबर अभी आ रही है कि कांग्रेस के भी कुछ डेलीगेशन यहाँ पे आके परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। हालांकि जब डेलीगेशन में अमिताभ सपा डेलीगेशन में जब अमिताभ वाजपेयी को भी भेजने की बात कही गई थी, तो खबर आई थी अमिताभ वाजपेयी को कानपुर में ही नजरबंद कर दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पे कब तक ही शाम तक इनके डेलीगेशन आता है, लगभग शाम को 4 से 5 बजे के बीच डेलीगेशन आने की संभावना है, लेकिन अभी उसमें कोई पुष्टि नहीं की गई है। जी अनिल, जानकारी के मुताबिक जो सपा का ये 6 सदस्यीय डेलीगेशन होगा पीड़ित के परिजनों से बातचीत करेगा, तो पीड़ित के परिवार में अभी कौन कौन है, क्या अभी तक उनका कुछ बयान सामने आया है? जी बता दूं कि लगातार मंडलायुक्त राजशेखर परिवार वालों से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं, और कुछ फुटेज ऐसे भी आए हैं जिसमें राजशेखर ले जा उनके दोनों भाइयों से बात कर रहे हैं। भाइयों से बात करते वक्त राजशेखर और कमिश्नर कानपुर देहात के SSP वहां मौजूद थे, बातचीत की है, लेकिन अभी उसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। घर वालों की सीधा कहना है कि जब तक उनको जो भी आरोपी है उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक हम इस मिट्टी को नीचे यहाँ से ले जाने देंगे। और तो कहीं ना कहीं यहाँ का प्रशासन के भी हाथ पांव फूले हुए हैं, उनका सोचना है कि यदि समय से अगर यहाँ पे भीड़ ना हटाई गई और लोगों को ना हटाया गया तो कहीं ना कहीं मामला गर्माता जाएगा। मैं आपको दिखा दूं कि ठीक मेरे पीछे ये पास की ही घटना है, और आप देख सकते हैं कि पीछे जो भीड़ है लोग वहां पे खड़े हुए हैं। तो देखने वाली बात ये होती है कि शाम को डेलीगेशन आने के बाद में ये लोग अखिलेश यादव के पास अपनी बात रखेंगे, बात रखने के बाद मामला कहाँ तक गर्माता है। और लगातार प्रदेश सरकार पे भी आरोप लगता आया है कि जो सरकार है वो ब्राह्मण विरोधी है, तो कहीं ना कहीं इस पे क्या निष्कर्ष निकलता है। जी अनिल, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। पूर्व डिप्टी CM और नव निर्वाचित MLC डॉक्टर दिनेश शर्मा औरैया जिला पहुंचे, जहां BJP कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका सम्मान किया। वहीं मंच पर BJP सरकार की तारीफ करते हुए पूर्व डिप्टी CM माफियाओं पर जमकर बरसे। इसके साथ ही लखनऊ के नाम बदलने को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर कहा गया कि लखनऊ का नाम लखन पासी होना चाहिए। करीब 4-5 कार्यक्रम और उसके बाद भी टावा से हम लोग चले हैं, और ये में 2-3 कार्यक्रम हैं, कुछ विकास कार्यों का है, कुछ लोगों के वहाँ शोक समाचार था उनके वहाँ मिलने भी जाना है, एक तरीके से कार्यकर्ताओं से मिलने का एक। अच्छा, लखनऊ का नाम बदलने को लेके जो है स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया, नहीं अभी अभी कोई लखनवासी होना चाहिए, इसको लेके क्या कहेंगे? अभी कोई शहर सरकार की तरफ से कहीं कोई बयान नहीं है, लोग अपनी तरफ से तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लखनऊ के बारे में लोग नहीं जानते। जहां सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दे रही है, तो वहीं फरीदाबाद के 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेले में डिजिटल पेमेंट के माध्यम से एक महिला सहित 2 युवकों ने मेले में एक क्राफ्ट मैन से लाखों की ठगी कर ली। बता दें कि सूरज कुंड मेले में लगे एक हैंडक्राफ्ट कालीन की स्टॉल पर तीनों आए और ऑनलाइन पेमेंट के नाम पर ठगी कर फरार हो गए। पीड़ित स्टॉल संचालक ने इसकी शिकायत सूरज कुंड थाने में की है, और पुलिस CCTV के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। ये कल का वाकया है, कुछ लोग थे जिन्होंने जो सूरज कुंड मेले में शॉपिंग की थी, और शॉपिंग पे करके और उन्होंने जो भी ओनर था उसको पेमेंट के लिए बोल दिया कि पेमेंट हो गई है आपके में, और उसको पेमेंट शो नहीं हुई और पेमेंट उसके बाद में भी नहीं आई थी, और वो उसका सामान लेके चले गए। ओनर की शिकायत पे थाना सूरजगुंड में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों की CCTV फुटेज आ गए हैं, CCTV फुटेज के द्वारा पहचान की जा रही है, और पार्किंग के जिस गाड़ी से गए हैं उसके माध्यम से उनकी पहचान। आपका
मेरा नाम है अलाउद्दीन। अलाउद्दीन जी, क्या हुआ है आपके 824 नंबर इस्तेमाल पर, क्या हुआ है? ये ऐसा एक्चुअली वो बंदा आया 2:20 पे, ठीक है, एक्चुअली में वो आया कारपेट देखा 5-6-7 कालीन पसंद किए, वो बोला फोल्ड कर दो, अकाउंट नंबर डिटेल मांगा, पासबुक का उसको फोटो दिए, वो दूसरा बंदा था हमारा, वो डील किया, वो उसने पैसा अकाउंट में बोला ट्रांसफ़र हो गया, सक्सेसफुल दिखा दिया उसने। अच्छा। उसने दिखा दिया, मैंने इसको रोक के, ग्राहक को रोक के उसको भेजा आगे, तो वो गया आगे दिखा के आया, बोला ठीक है, ये नहीं बोला मेरे से कि पैसा आ गया है, तो वो इशारे में मेरे को बोला कि आ गया, मैं समझा आ गया होगा। फरीदाबाद के पलवल अलीगढ़ रोड पर सीवेज लाइन की खुदाई करने उतरे मजदूरों के ऊपर मिट्टी की डाह गिर जाने से एक मजदूर की मौत हो गई और एक मजदूर घायल हो गया है, तो वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। दोनों मजदूरों को आनन फानन में निकाला गया। भैया क्या नाम है आपका? मोनू जादव। आप बताइए जो हादसा हुआ है। हादसा सर काम कर रहे थे हम, इसका काम कर रहे थे, क्या नाम है कंपनी का, पावर मैक का काम कर रहे थे सर जी, तो वहाँ ठाए के चल गई, ठाए रोड के सारे ठाए के चल गई सर वहाँ पे। हम ये हमारे ठेकेदार हैं एक सिंह जी जो इन्हें ले गए। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी सर। तो एक बंदे की मौत हो गई? हाँ जी सर, एक बंदे की मौत हो गई। इस काम के लिए मतलब सुरक्षा उपकरण आप लोगों को दिए हुए थे ठेकेदार ने? सुरक्षा सर ऐसा था, ये तुम्हारा इनका काम कर रहे थे अलीगढ़ रोड पे, ऊपर से करार गिरी, एक बंदा दब गया उसके अंदर, हम तीन कूद गए निकालने के लिए, उसके बाद दूसरी भी आ गई, उसने दो दब गए, हम भागे भी, फिर भी चोट लगी। आप भी दब गए थे उसमें से? नहीं, मैं तो इतना ही दबा लेकिन चोट लगी मुझे, फिर मैं निकल के भाग लिया। अच्छा, पहले जो मिट्टी डली थी वो एक के ऊपर गिरी थी, उसको निकालने के लिए आप गए थे? निकालने के लिए दौड़े, उसके बाद में ऊपर से फिर गिर गए। काम कर रहे हैं, ऊपर से ढाई गिर गई है और दब गए हैं। हम मौके पर पहुंचे, 4 जेसीबी और 1 क्रेन बुलाई और 3-4 घंटे वहाँ पर काम चला, और 2 सही निकल गए और 1 की डेथ हो गई। जिसकी डेथ हुई है उसका नाम अशोक कुमार, पिताजी का नाम विजय, ये जिला बहराइच यूपी के रहने वाले हैं। जो अशोक कुमार की डेड बॉडी को मोर्चरी में रखवा दिया है, सुबह पोस्टमार्टम कराया जाएगा और आगे की कार्रवाई जैसा ये लिख के देंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। मृतक की उम्र कितनी होगी? मृतक की उम्र 27 साल है। गाजियाबाद के लोनी में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, तो वहीं ग्राम चिरोड़ी क्षेत्र में एक युवक को गोली मारने की घटना सामने आई है, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई और घायल युवक को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। पुलिस सीसीटीवी की फुटेज और सर्विलांस की मदद से आरोपियों को पकड़ने में लगी हुई है। थाना लोनी के चिरोड़ी चौकी के अंतर्गत ग्राम चिरोड़ी में आज एक युवक को गोली लगने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। थोड़ी देर पहले पुलिस टीम द्वारा मौके का मुआयना किया गया और जो घायल था उसे चिकित्सा लाया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम मुर्तजा बताया, उसके पेट में गोली लगी हुई है, हालांकि डॉक्टर्स ने उसे अभी खतरे से बाहर बताया, लेकिन उसे गहन चिकित्सा हेतु रेफर कर दिया गया है। उसने पूछताछ में बताया कि जब वो ऑटो स्टैंड पे अपने ऑटो के साथ खड़ा था तो उसके पड़ोसी कल्लू कसाई और उसके 2 भाई है। गाजियाबाद में शराब तस्कर पुलिस की पकड़ से बचने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। लोनी में अवैध शराब के काले कारोबार से जुड़े शख्स ने एक बार फिर नया तरीका अपनाया है, लेकिन फिर भी आबकारी विभाग ने बदमाश की करतूत को पहचान लिया और छापेमारी कर 10 पेटी अवैध शराब और 617 शराब की अवैध शीशियां बरामद कर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। बरामद की गई शराब की इस अवैध खेप को हरियाणा से तस्करी कर यहां लाया गया था और एक घर के अंदर इस शराब को बेहद शातिराना तरीके से छिपाया गया था। आबकारी आयुक्त महोदय उत्तर प्रदेश के आदेश के क्रम में जनपद गाजियाबाद की आबकारी टीम द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध लगातार प्रभावी प्रवर्तन कार्य किया जा रहा है, उसी के क्रम में जो है आज की भी कार्रवाई हुई है। आज हम लोगों ने जो है थाना टुनका सिटी के अंतर्गत पूजा कॉलोनी में एक व्यक्ति विनय उर्फ अजय को करीब 10 पेटी और एक कट्टे में कुल 617 सीसी जो है
अवैध हरियाणा की जो है अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया है, उसके विरुद्ध जो है हम लोगों ने सनत प्रतिका सिटी में FIR पंजीकृत कराते हुए उसको जेल भेजा है। हरदोई के पाली इलाके में गन्ने की फसल में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है, तो वहीं शॉर्ट सर्किट से आग लगने से किसानों में हड़कंप मच गया, जिससे करीब 18 बीघा फसल जलकर राख हुई है। सूचना पर रूपापुर चीनी मिल के दमकल कर्मी और फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच गई, जिसने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। कानपुर के बाढ़ 82 के लोगों का हाल बेहाल है। बता दें कि बिजली पानी और सड़क के बिना ही क्षेत्रीय लोग यहां रह रहे हैं, तो वहीं नगर निगम और बिजली विभाग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया जा रहा है। बता दें कि लिखित सूचना देने के बावजूद भी आज तक कोई विकास नहीं हुआ है। कहने को तो केवल कानपुर जो है स्मार्ट सिटी रह गया है, और उसका देखा जाए कहीं ना कहीं आज हम वार्ड 82 के जो खड़े हुए इस समय देखा जाए कहीं ना कहीं कानपुर नगर निगम में सारे दावे फेल नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो क्षेत्रों को साफ करना है ना बिजली का पता है, ना रोड का पता है, ना सड़क का पता है। देखा जाए तो नेता जो बड़े बड़े वादे करते हैं सड़क पानी कपड़ा और बिजली की बात करते हैं, वो लेकर के यहाँ के क्षेत्रीय लोग जो है पूरी तरीके से वांछित हैं। और देखा जाए कहीं ना कहीं ये एक बड़ा ये जो कानपुर है वो भाजपा नेता जो हैं देखा जाए तो सांसद भाजपा के, विधायक भाजपा के, और एक बड़ा एजेंडा जो है कानपुर का जो समाज देखा जाए तो पूरा BJP गढ़ माना जाता है कानपुर को, और वहीं पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो क्षेत्र के लोग हैं वो काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। आप बताएं क्या नाम है आपका? चाची मीरा मिश्रा। मीरा जी बताइए कि आप जहाँ यहाँ रहती हैं वार्ड में आपको किस प्रकार की सुविधा मिल रही है, किस प्रकार की सुविधा नहीं मिल रही है? हमका यहाँ कोई सुविधा नहीं है, ना तो रोड है, ना लाइट है, न पानी है। पानी बरसात आवत है तो नाली का भी दुख तकलीफ हो जाती है। अब बत्ती गिर गई जो खंभे लगे हैं तो वो भी करंट दौड़ा था भाई। आपने कभी किसी पार्षद को या विधायक को या किसी नगर निगम के अधिकारियों को कभी सूचना दी लिखित तौर पर? कोई आता ही नहीं तो हम किसको दे दें? जब कोई आएगा तभी तो देंगे। और लोग हमारे साथ में हैं, बताएंगे। क्या नाम है आपका? मैं संगम सिंह राठौर। संगम, ये बताइए कि किस जो आप जिस वार्ड पे हैं, नगर निगम निकाय चुनाव वहाँ के नज़दीक आ गए हैं, और इस नगर निकाय चुनाव एजेंडा जो है वो बड़े बड़े दावे फैल रहे हैं, पर यहाँ देखा है इस वार्ड में ना सड़क का पता है, नाली का पता है, ना खंभे पता है, क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे यहाँ से देखो 2-3 बार एप्लीकेशन भी जा चुकी है खंभों के लिए, पर अभी तक कोई खंभे का कोई मतलब कोई भी एक्शन नहीं ले रही सरकार। और दूसरी बात यह कि जो बल्लियाँ गड़ियाँ आए थे मतलब गर्मियों में बरसात में ये टूटेंगी गिरती हैं तो बिजली का डर रहता है, ठीक है ना, केबल एबल और क्या नाम गर्मियों में केबलें जलने लगती हैं बहुत ज़्यादा। आप एक युवा हैं और देखा जाए कहीं ना कहीं नगर निगम के चुनाव नज़दीक आ गए हैं, आपको देखा दिखाए तो किस एजेंडे पर आप वोट डालने जाएंगे कि नोटा का इस्तेमाल करेंगे? अब भाई ये बताइए जो हमको सारी सुविधाएं देगा ना तो उसी को हम सपोर्ट करेंगे, और मेरा मोहल्ला भी उसे सपोर्ट करेगा जो हमको सारी सुविधाएं मिलेंगी। इससे पहले कभी आपने क्या महापौर को या क्षेत्रीय विधायक को या फिर सांसद को या जिला अधिकारियों को भी सूचना दी है कभी? नहीं दिया, मैंने पार्षद खुद बुलाया था, पार्षद जी मेरे से मिलने भी आए थे। क्या मैंने बोला था आपको? यही आश्वासन कि भैया आज नहीं तो कल हो जाएगा, भाई आश्वासन ही दिया और उसके अलावा कोई एक्शन नहीं लिया गया। और भी हमारे साथ लोग बताएं। चाचा क्या नाम है आपका? हमारा नाम विनोद कुमार शर्मा। शर्मा जी बताइए कि जो नगर निगम चुनाव नजदीक आ गए हैं, सारे नेता बड़े बड़े दावे दिखा रहे हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, और देखा है जमीन की में देखा है तो आपकी वार्ड में ना रोड का पता है, ना बिजली पता है, ना खंभे पता है, ना नाली का पता है, और एक बड़ी महामारी आई थी डेंगू को लेकर के। क्या स्वास्थ्य विभाग की टीम कभी यहाँ पे आई? कभी नहीं आई यहाँ पर, कभी नहीं आई। आपने कभी किसी अधिकारी को सूचना दी? अधिकारी गए थे सब लोग मिल के, लेकिन मिले नहीं वहाँ पर, फिर गए एक दिन दिया था अपने जाके यहाँ पर, हम सब लोगों का साफ कहना है कि जो अधिकारी हैं उनको सूचना लिखित तौर पर दी गई है, उसके बावजूद भी देखा है तो ना यहाँ पे पानी की व्यवस्था है, ना बिजली की व्यवस्था है, ना सड़क की व्यवस्था है। यहाँ वार्ड 82 के लोग जो हैं पूरी तरीके से जो हैं वांछित हो चुके हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो कानपुर जो स्मार्ट सिटी है उसके सारे दावे जो हैं वो केवल कागजों में रह गए हैं, उसके बाद जो ये केवल स्मार्ट सिटी वो देखा जाए तो जो तस्वीरें हैं यहाँ की वो अलग बयां कर रही हैं। कैमरा मैन साथ उपेन्द्र साना, कानपुर। अम्बेडकर नगर में मंडलायुक्त गौरव दयाल ने दौरा किया और मंडल आयुक्त द्वारा नई पहल के तहत पहली बार मंडल मुख्यालय के बाहर जनपद अम्बेडकर नगर में मंडलीय समीक्षा बैठक की गई, जिसमें विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों से चर्चा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया। समीक्षा बैठक के दौरान मंडलायुक्त द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसे तमाम योजनाओं को लेकर समीक्षा की गई। पूरे मंडल के अधिकारियों के साथ बैठक की, क्या कुछ निकल गया है?
देखिए मंडली समीक्षा ऐसे तो हर साल हर महीने मंडल मुख्यालय अयोध्या में होती थी, तो ये निर्णय लिया गया कि अब हम लोग मंडल के हर जिले में जाके समीक्षा करेंगे ताकि मंडल के अधिकारी हर जिले में जाके वहाँ पर रहें, वहाँ की चीज़ों को और बेहतर समझें और हर जिले का पार्टिसिपेशन समीक्षाओं में हो और जो फोकस रह जाता है कभी कभी मंडल मुख्यालय पर वो ना रह के हम हर जिले को फोकस कर सकें उस पर और वहाँ की लोकल समस्याओं को और बेहतर समझ सकें उसके दृष्टि। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरो